अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मायावती का एक बयान और वोट बैंक टूटा। मुस्लिम वोट बैंक ने किया बीएसपी से पलायन। मायावती का वोट बैंक अब सपा के खाते में जुड़ा। मायावती के इस बयान से नाराज हैं मुस्लिम वोटर्स। मायावती को महंगा पड़ रहा है विरोध में दिया गया बयान। मायावती के नुकसान से सपा को हो रहा जमकर फायदा। उत्तर प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री अब एक दूसरे के सामने हैं। पुराने सियासी साथी अब एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और इस सियासी रसूख की जंग में एक मौन मुस्कान के साथ मुनाफा कमा रहा है और दूसरा विरोध की आग में जलकर अपना ही नुकसान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मायावती और अखिलेश यादव की। दोनों ही नेता सियासी मोर्चे पर जुबानी बारूद दाग रहे हैं, जिसमें मायावती का वोट बैंक हलाक हो रहा है और अखिलेश यादव हालात पर जमकर फायदा उठा रहे हैं। दरअसल बीएसपी के घर में हुई बगावत का हाल ये है कि अब मायावती बदले की आग में झुलस रही हैं और यही वजह है कि मायावती अब अपना ही नुकसान पर नुकसान किए जा रही हैं। विरोध में मायावती कुछ ऐसे बयान दे रही हैं जिससे उन्हीं का वोट बैंक कमजोर हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत इन दिनों मायावती पर सटीक बैठती है और मायावती अपने नफा नुकसान की सोचे बिना बयान पर बयान दिए जा रही हैं। मायावती ने जब से सपा को हराने के लिए बीजेपी का साथ देने की बात कही, तभी से मायावती के मुस्लिम वोटर्स उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम उसके साथ जाता है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होता है। मुस्लिम मतों को लुभाने के लिए खुद को उनका सच्चा हितैषी बताते हुए मायावती भी पहले में न केवल उन्हें ज्यादा टिकट देती रही बल्कि बीजेपी से साठगांठ के आरोपों को भी सिरे से खारिज करती रही, लेकिन अब सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के निशाने पर होंगी। बीएसपी से बगावत करने वाले विधायक असलम अली कहते हैं कि हम लोग तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़कर आए हैं, लेकिन अब पार्टी ही बीजेपी के साथ जा रही है तो हम सब अपने समाज से कैसे वोट मांग पाएंगे। और करने की बात ये भी है कि सत्ताधारी बीजेपी से असंतुष्ट नेताओं का रुख भी अब बीएसपी के बजाय सपा और अन्य पार्टियों की तरफ होगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अभी सूबे में पैर जमाने के लिए खुद ही बहुत मेहनत करनी है। इसीलिए असंतुष्टों की पहली पसंद सपा ही बनती जा रही है। जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं और वहां पिछले चुनाव में बीएसपी दूसरे पायदान पर रही है, वहां से चुनाव लड़ने वाले खासतौर से समाजवादी पार्टी का दामन थामने को तैयार हैं। वहीं बीजेपी का साथ देने का दावा करके मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं और अपने ही मुस्लिम चेहरों की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसे में अब बीएसपी के मुस्लिम वोटर्स सीधे तौर पर सपा के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं, जिससे पहले ही पतन की तरफ बढ़ रही बीएसपी के लिए वोट बैंक का पलायन किसी परेशानी से कम नहीं होगा, जो 2022 के लिए विधानसभा चुनाव में भी निर्णायक साबित होगा। अब देखना ये है कि इससे पार पाने के लिए मायावती क्या कदम उठाती हैं और कैसे सपा के खाते में जा रहे अपने वोट बैंक को संभालती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।